राशि फल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशि फल का भी निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती हैं। आज बुधवार 25 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो जानने के लिए देखें हमारा आज का ये राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए गणेश जी कहते हैं, रचनात्मक प्रयास में इच्छित सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति है। आर्थिक योजना को बल मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान में वृद्धि होगी। एक दूसरे का नजरिया समझकर व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाएं। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जेहन में आ रहे हैं। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। बुद्धिमानी से कठिन काम भी निपटा सकते हैं। ज्यादा मेहनत वाला काम भी आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए आज आलस, थकान और उबन आपके कार्य करने की गति को प्रभावित कर सकते हैं। पेट संबंधी शिकायत अस्वस्थता का अनुभव करा सकती हैं। नौकरी व्यवसाय में विघ्न भी आ सकता है। उच्च पदाधिकारियों से आज दूर रहने में ही आपकी भलाई है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आज का दिन अपने परिजनों के साथ बिताने के लिए शुभ है। आज आप उनके साथ मिलकर कई मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेंगे। आज आपको अपनी पुरानी दोस्ती वापस मिल सकती है, लेकिन इसके लिए पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। आपकी संप्रेषण कला, आत्मविश्वास तथा आकर्षक व्यक्तित्व आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपनी कुशलता दिखाने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए आज आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी या अपने साथी की इच्छाओं और चरित्र के बारे में एक नई जानकारी भी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। समूहों में शिरकत दिलचस्प लेकिन खर्चीली रहेगी। आप उन महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में रहेंगे जो आपके कैरियर या कामकाजी स्थिति को बनाने में आपकी मदद करेंगे। किसी भी चीज को छोटा न समझें। नए संबंधों के प्रति निकटता आपके लिए लाभकारी होगी। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आएगा। विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी कोशिश करें कि उच्च अधिकारियों से विवाद न हो। आपकी आलोचनाएं ना हो ऐसा प्रयास करें। शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं, सतर्कता आवश्यक है। धन का अधिक खर्च मानसिक परेशानी को बढ़ा देगा। संबंधों में भेद उजागर होने का डर है। विवेकपूर्ण नीति को अपनाना आपके लिए हितकर साबित होगा। मेहमानों का आगमन भी हो सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी बुद्धि और सूझबूझ की समाज और परिवार में सराहना होगी। अवसर हितकर होंगे। अनावश्यक काम में समय बर्बाद न करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज आप निर्णय शक्ति मजबूत होगी। दूसरों की देखा देखी न करें। व्यापारिक फैसले लेने में देरी नहीं करना चाहिए। निवेश भी कर सकते हैं। नई तकनीक का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आज का दिन अनुकूल है। किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी।
आज आप उत्साह तथा ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी परेशानी में हैं, तो जल्द ही उस परेशानी से निजात भी मिल जाएगी और आप फिर से राहत की सांस लेंगे। आज किसी भी कार्य को आप पूरी मेहनत से करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए आज शैक्षणिक मोर्चे पर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको और अधिक ध्यान लगाने की जरूरत हो सकती है। प्रेमी के खराब मूड को सही करने में सफल रहने की उम्मीद है। अपने जीवन साथी से किसी भी बारे में शिकायत न करें, क्योंकि उनका मिजाज पहले से ही खराब है। इसके चलते आपका दिन भी खराब हो सकता है। आज आपको वो काम करने चाहिए जो आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य में सुधार करने में मदद करे। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से ही निवेश भी करें। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी, जिसके चलते दान पुण्य और धार्मिक आयोजनों में धन खर्च होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप जितनी भी मेहनत करोगे, उतना ही आपको फायदा भी हो सकता है। आज आपको क्रोध को नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि कुछ लोगों से आपको परेशानियां भी हो सकती है। हाथापाई होने की भी संभावना है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तभी जाकर आर्थिक सुधारों में सफल होंगे। भाग्य की स्थिति भी कुछ कमजोर होने से विशेष लाभ के योग कम ही बन रहे हैं। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो, और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गणेश जी कहते हैं, आज आपके अंदर काफी ऊर्जा देखने को मिलेगी। मुश्किल हालात का भी धैर्य से आप सामना करेंगे। वाणी माधुर्य का लाभ लेंगे। अपने पुराने शौक पूरे करने का मन रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी ओर से सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पुराना रोग भी उभर सकता है। दौड़ धूप अधिक होगी। आपके द्वारा लिए गए फैसले लाभप्रद रहेंगे, जिससे कि आपको लाभ भी होगा। तरोताजगी और मनोरंजन के लिए बढ़िया दिन है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यावसायिक लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आप अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस करेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज दूसरों की जरूरतें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। शाम को भाइयों और पड़ोसियों के साथ समय बीतेगा। विवादों में सफलता भी मिल सकती है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। उनकी बात को अच्छे से सुने और उन्हें समझने का प्रयास भी करें। बोझिल और आलसी रवैये के चलते आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। काम में देरी करने की वजह से कुछ नुकसान भी होगा। अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं, तो माल लेने में चूक ना करें। बिजनेस से जुड़े लोग अपने नए आइडिया भी किसी से भी शेयर ना करें, नहीं तो कोई उनका गलत फायदा उठा सकता है। अध्ययन में बेहतर विकल्प मिलने से युवा उत्साहित रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज परिस्थिति आपको चाहे कितना भी उकसाए, घर की शांति भंग ना होने दे। कभी कभी अपने गुस्से को पी जाने में ही भलाई होती है। पुराने सौदों का नवीनीकरण कर सकते हैं। तनाव कम होगा। अचानक यात्रा के कारण आप आपाधापी और तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। अच्छे मित्र मिलेंगे, जिसे चाहते हैं उसे दिल की बात कह दें। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। नव ऊर्जा का संचार भी होगा। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता भी कर सकता है। भाई बहन
बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे। आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए आज आप अपने विचार और ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जिनसे आपके सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं। क्रोध में किसी के साथ उग्र चर्चा न हो जाए, इसका ध्यान रखें। आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे। किसी के साथ जरूरत से जल्दी दोस्ती करने से बचें, क्योंकि इसके चलते आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। वाणी और व्यवहार पर संयम बरतिएगा, वो आप ही के हित में रहेगा। लोगों से मिले और उनसे सकारात्मक बातचीत भी करें। राग द्वेष से दूर रहिएगा तथा अपने शत्रुओं से संभल कर चलिएगा। सामाजिक समारोह के दौरान आपको सुनहरा मौका हाथ लग सकता है। स्वस्थ जीवन शैली की वजह से आप तंदुरुस्त रहेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए आज अगर आप किसी की गोपनीय बातें जान गए तो वो बातें किसी को भी ना बताएं। आज भौतिक सुखों का विस्तार होगा। संतान की ओर से सुखद समाचार भी मिल सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान तथा योग करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। आज आपका मधुर व्यवहार लोगों का दिल भी जीत लेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से चली आ रहे प्रेम संबंधों को नया रूप देने के लिए अच्छा मौका है। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी। आपके साथी का असीम प्यार और समर्थन आपके प्यार के बंधन को और भी मजबूत करेगा। आपकी कुंडली व राशि के ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ भिन्नता हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए आप किसी पंडित या ज्योतिषी से मिल सकते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।